हेलो एवरीवन, सो आई स्टार्ट कर रहे हैं हम एक कंप्यूटर्स जो है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हम आते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट पर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स लैंग्वेज, ठीक है। ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कंप्यूटर्स जो है इसका इन्वेंशन काफी टाइम पहले हो गया था, लेकिन अभी जो हमारे पास में जो कंप्यूटर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे आपने देखा है कि आपके पास में जो है फ्लैट वाला कंप्यूटर जिसको आप पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स बोलते हैं, पॉम टॉप होता है, लैपटॉप होता है, तो ये सभी कंप्यूटर्स के क्या है टाइप है जो भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले से ही आपके पास में जो बिल्कुल सुटेबल जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स है उस टाइप से अवेलेबल नहीं थे। पहले जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत लार्ज स्केल पे, मतलब बहुत बड़े बड़े होते थे, जिनको एक रूम में रखा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद में कंप्यूटर्स में कुछ इन्वेंशन होते गए, कुछ नए नई टेक्नोलॉजीज होती गई, जिससे कंप्यूटर का साइज, कंप्यूटर्स की मेमोरी, कंप्यूटर्स का जो पावर है वो सभी क्या होता गया, एक्सटेंड होता गया, बढ़ता गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में सीखना है कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स कैसा था, सेकंड में कैसा था, ठीक है। और उसकी जो लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर समझता है, जैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी आपके घर में बोली जाती है, तो कंप्यूटर्स कौन से लैंग्वेज को इजीली क्या कर सकता है, समझता है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टार्टिंग करते मैं थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट बताती हूँ इस चैप्टर के बारे में आपको। जनरेशन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ अ कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड, क्योंकि जनरेशन क्या है कि जो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, थ्रू आउट दी ईयर्स, तो वो आपको जनरेशन में बताएंगे कंप्यूटर जनरेशन में क्या है। इनिशियली द जनरेशन टर्म वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरी हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज, बट नाउअडेज जनरेशन इंक्लूड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच टूगेदर मेक अप एन एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में दो जो है वो बेसिकली पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इनके बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। हार्डवेयर किसको बोला जाता है, ऐसे पार्ट्स, ऐसे कंप्यूटर्स के पार्ट्स जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हार्डवेयर पार्ट्स। और इसके दूसरा पार्ट होता है कंप्यूटर का, वो होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पार्ट जो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर फिक्स्ड होते हैं, जिसको आप देख नहीं पाते, जैसे मेमोरी, डिस्क, ठीक है, ये सभी जो है कंप्यूटर्स के इंटरनल पार्ट्स है, जिसको आप क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे हमारी बॉडी में भी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन जिसको आप देख सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन जिसको आप देख नहीं सकते, वैसे ही कंप्यूटर्स में दो ऑर्गन्स या फिर आप कह सकते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इन दोनों पार्ट से मिलकर बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देयर आर टोटली फाइव कंप्यूटर जनरेशन नोन टिल दैट। Each generation has been discussed in detail along with their time period characteristics. देखिए जो generations है, five generations है computers की, ठीक है, उस समय हर generation में जो computer की period है, उसका जो time है, वो जो characteristics है computers की, वो हम detail में क्या करेंगे, study करेंगे one by one सारे generation का। तो start करते हैं हम first generation computer, ठीक है। अब first generation जो computer है उसका जो पीरियड था, फर्स्ट जो पीरियड था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का, वो था 1942 टू 1954, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इनका टाइम पीरियड जो है 1942 टू 1954, ठीक है। द फर्स्ट जनरेशन जो है 1942 से स्टार्ट हो गया था बिफोर फ्रीडम, और कहां तक चला था, 1954 तक चला था, ठीक है। अब इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनके क्या प्रॉपर्टीज थी, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो हम देखते हैं यहाँ पर। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सिक्योरिटी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। देखिए फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं वहां पर क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता है फॉर सिक्योरिटी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। जो सर्किट के लिए, मतलब जो कंप्यूटर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो सर्किट्स के लिए जब सर्किट बनाया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजिली पास हो जाए, उसके लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। बहुत बड़े बड़े ट्यूब्स होते हैं, जिसे आप अपनी बुक में देख सकते हैं, यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। और मेमोरी के लिए क्या यूज किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम्स, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की पर बेस्ड कुछ ड्रम्स होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं, उसका यूज किसके लिए किया जाता है, मेमोरी के लिए।
आज हम मेमोरी का यूज किस क्या करते हैं, आपने देखा होगा आपके मोबाइल में जो होता है चिप होता है, ठीक है, जो चिप होती है बहुत ही छोटी साइज में होती है, बिल्कुल इतनी सी इजीली वहां पर फिट हो जाती है, ठीक है। स्क्रीन का साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन चिप का साइज और भी छोटा होता है, तो केवल इतनी सी चिप में हम बहुत सारा डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में इतना डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है, तो वहां पर जो था मेमोरी को यूज करने के लिए, मेमोरी को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था, और सर्कुलेटरी के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे। दोस वर लार्ज साइज कंप्यूटर दैट यूज टू ऑक्यूपाई द एंटायर रूम, ठीक है, बहुत लार्ज साइज के कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के, इनको रखने के लिए कम्प्लीटली एक रूम चाहिए रहता था, ठीक है, रूम के साइज के बराबर कंप्यूटर्स रहते हैं। आज तो ऐसे कंप्यूटर्स है कि जिसको हम हमारी पाम पर भी इजी से रख सकते हैं, ठीक है, पाम टॉप कंप्यूटर्स जो है उसको हम बहुत ही अच्छे से स्टोर कहीं पर भी इजीली जो है हम उसको कैरी कर सकते हैं। दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, देखिए उसको जो ऑपरेट करना भी बहुत क्या था, एक्सपेंसिव था, कंप्यूटर्स को रन करना बहुत ही एक्सपेंसिव था। आज हमको कंप्यूटर्स रन करने के लिए केवल इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और उस टाइप के जो कंप्यूटर्स थे मतलब फर्स्ट जनरेशन के, वो जो हीट भी जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। हीट क्यों ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि उनके मेमोरी के लिए बहुत लार्ज स्किल जो मैग्नेटिक ड्रम्स है उनका यूज किया जाता था, तो उसकी वजह से हीट जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर्क ऑन मशीन लैंग्वेज, इनपुट वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड एंड पेपर टी, देखिए फर्स्ट जनरेशन का जो लैंग्वेज था, लैंग्वेज मीन्स थ्रू कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश या जो भी हमारे घर में बोली जाती है, ठीक है, जो भी भाषा बोली जाती है वो समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है, जीरो और वन के फॉर्म में जो होती है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनका जो मशीन था उसका नाम क्या था, मशीन लैंग्वेज, सॉरी का जो लैंग्वेज था उसका नाम क्या था, मशीन लैंग्वेज। और वहां पर इनपुट के लिए, जिसे अभी हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस के लिए क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, इससे हम क्या करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस के लिए फर्स्ट जनरेशन में पंचिंग कार्ड और पेपर टेप का यूज किया जाता था। द आउटपुट वॉज डिस्प्लेस ऑन पीसेस ऑफ पेपर, अभी हमको आउटपुट कहाँ मिलता है, मॉनिटर पर मिलता है, प्रिंटर से आउटपुट हमको मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो आउटपुट के लिए कौन सा डिवाइस था, पीसेस ऑफ पेपर। इनपुट के लिए क्या यूज करते थे, पंचिंग कार्ड एंड पेपर टेप, और आउटपुट के लिए पीसेस ऑफ पेपर। द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड इन कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है, कौन कौन से फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल्स है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। UNIAC फर्स्ट इसका फुल फॉर्म है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो केवल कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते थे। आज हम कंप्यूटर का यूज केवल कैलकुलेशन के लिए नहीं करते हैं, वेरियस एप्लीकेशन के लिए, वेरियस जो है डिफरेंट जो हमारे वर्क है उसके लिए करते हैं, लेकिन फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका यूज केवल कैलकुलेशन के लिए, एज ए कैलकुलेटर उसका यूज किया जाता था। तो एग्जाम्पल कौन सा है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और सेकंड जो एग्जाम्पल है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, तो ये दोनों जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स थे। आते हैं हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में, देखिए फर्स्ट जनरेशन के बाद में सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डेवलप हुई, कंप्यूटर का साइंस क्या हुआ थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, जो मैग्नेटिक ड्रम्स है, जो वैक्यूम पाइप्स है, वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पे कुछ और यूज किया जाने लगा सर्कुलेटरी के लिए और मेमोरी के लिए। द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन वॉज 1952 to 1964, अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड जनरेशन की। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1952 to 1964, ठीक है, ये इसका पीरियड टाइम था सेकंड जनरेशन का। इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, जो वैक्यूम ट्यूब्स है उसको रिप्लेस किया गया किससे, ट्रांजिस्टर से। तो ट्रांजिस्टर्स वर फॉर बेटर देन वैक्यूम ट्यूब्स एंड कंप्यूटर्स वर स्मॉलर फास्टर एंड चीपर, देखिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कंप्यूटर का साइज रिलीज हुआ, स्मॉलर हुआ एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स।
फास्टर हुआ, मतलब जो कैलकुलेशन प्रोसेस से वो बहुत फास्ट हो गई थी, चीप भी हो गया था, चीपर हुआ था, मोर इफिशियंट एंड मोर रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। हाउएवर दिस कंप्यूटर्स स्टिल रिलेट द पंच कार्ड्स फॉर इनपुट एंड प्रिंट्स आउट फॉर आउटपुट्स। देखिए जो फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर्स में इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था और आउटपुट के लिए भी जो प्रिंट आउट से उसका मतलब पेपर का ही यूज किया जाता था। ठीक है, मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइस में सेकेंड जनरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, एज ए फर्स्ट जनरेशन की तरह ही यूज कर रहे थे। इसके एग्जाम्पल जो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के वो है IBM 7000 और है NCR 304। These are the two examples of second generation computers। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ जनरेशन और जो फिफ्थ जनरेशन कंटिन्यूस में है वो हम देखेंगे। इसके बाद में हम प्रोग्रामेबल लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।